29 जून को बॉक्स ऑफिस पे दस्तक देने वाली है दोस्तों संजू वन मैन मैनी लाइव्स। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर राजकुमार हिरानी साहब। चलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बातें बताता है आपका ये फिल्मियारा आप लोगों को। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो दोस्तों यही है कि राजकुमार हिरानी साहब ने इस फिल्म का आइडिया जो है मुन्ना भाई 3 से भी पहले सोच लिया था। ठीक है, वो दरअसल क्या है, पीके के बाद मुन्ना भाई 3 बनाने वाले थे, जिसके लिए वो बातचीत करने के लिए हमारे संजू भाई के यानी कि बाबा के घर पे जाते हैं। बाबा उस टाइम पे पेरोल पे छूट कर आए थे दोस्तों, और वो उस समय घर पे थे, तो उन्होंने अपनी बातें डिस्कस करनी शुरू की, अपनी जिंदगी की बातें, अपने जेल के एक्सपीरियंस, सारी चीजों को डिस्कस करना शुरू किया। तब राजकुमार हिरानी साहब ने कहा, नहीं भैया, मैं मुन्ना भाई 3 से पहले जो है एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं जो कि संजय दत्त की बायोपिक हो और संजय दत्त के जीवन को दर्शाए। तो पहली इंटरेस्टिंग और चटपटी बात तो ये है। दूसरी जो चटपटी बात है दोस्तों वो ये है कि राजकुमार हिरानी साहब इसमें कैमियो करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें स्क्रीन में राजकुमार हिरानी साहब का कैरेक्टर भी दिखेगा और राजकुमार हिरानी साहब के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे द लेजेंडरी फिल्म मेकर। कौन 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 बताइए? लज्जा, जिन्होंने फिल्म बनाई, यानी कि सुभाष घई जी इसमें एक स्पेशल कैमियो देने वाले हैं, और वो राजकुमार हिरानी साहब की तरह वेशभूषा और सारे जेस्चर्स को लेकर जो है ऑन स्क्रीन हमें नजर आएंगे। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों कि अनुष्का शर्मा इसमें क्या कर रही हैं। अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस था। स्टार्टिंग में हमें लग रहा था ये आखिर कौन है। फाइनली पता चलता है कि अनुष्का शर्मा इसमें दो लोगों के किरदार को निभा रही है, एक अभिजात जोशी जी का कैरेक्टर, दूसरा राजकुमार हिरानी साहब का कैरेक्टर। यानी कि अनुष्का शर्मा इसमें दो लोगों को एक साथ ऑन स्क्रीन परफॉर्म करेंगी, और बेसिकली अनुष्का का जो कैरेक्टर है वो बायोग्राफी राइटर का है और संजू से वो बात करती हैं बायोग्राफी के लिए वगैरह वगैरह। तो ये सारे सीन्स जो हैं फिल्म के अंदर होंगे, और वो वाला सीन के लिए तो मैं खुद ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि आज तक तुम कितनी औरतों के साथ तुम्हारी फिजिकल रिलेशन रहा है, 350 तो रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में बोलते हैं, और उसके पीछे मतलब संजू बाबा के पीछे मान्यता दत्त खड़ी है यानी कि दिया मिर्जा खड़ी है, और उनका रिएक्शन मैंने देखा तो इट वॉज जस्ट नॉर्मल फॉर हर। Well, बड़े लोग बड़ी बातें। चौथी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है दोस्तों वो ये है कि फिल्म जो है इससे पहले बहुत सारे एक्टर्स इसके लिए मतलब रणबीर कपूर वॉज नॉट दी ओरिजिनल चॉइस, और ये बात खुद विधु विनोद चोपड़ा जी ने बताई है कि रणबीर कपूर नहीं थे हमारी पहली पसंद। हमारी पहली पसंद थे धतड़ वाले लड़के, यानी कि रणवीर सिंह। इवन दो अमिताभ बच्चन जी का भी नाम सामने आया था कि उन्हें VFX के इस्तेमाल से, मेकअप के इस्तेमाल से उन्हें संजय दत्त के पूरे चाल ढाल हाव भाव में ढाल दिया जाएगा, और वो भी परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन फाइनली हिरानी साहब ने बोला कि मुझे तो चाहिए रणबीर कपूर, और रणबीर कपूर इस फिल्म के लिए फाइनल हो गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इंटरेस्टिंग बात है इस फिल्म से रिलेटेड कि रणबीर कपूर ने हम सबका दिल जीत लिया है। रणबीर कपूर एकदम बाबा की तरह लग रहे हैं, उनके डिफरेंट लाइफ फेस को उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि जिया है। अब कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने फिल्म के अंदर किया है ये तो हम 29 जून को ही बता पाएंगे दोस्तों, लेकिन रणबीर कपूर आपको बता दूं कि 10 किलो पहले उन्होंने वेट घटाया संजू के स्टार्टिंग लुक्स को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि वो जो ड्रग वाला लुक और जिस टाइम पे उनकी रॉकी रिलीज हुई थी वो वाला लुक, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रास्टिकली 15 किलो वेट बढ़ाया है चोली के पीछे वाला लुक, खलनायक वाला लुक के लिए, तो उन्होंने 15 किलो वेट बढ़ाया है। वाओ यार, ऐसी बातें अगर फिल्म के अंदर देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली मजा आ जाए। वेल 29 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है सिनेमाघरों में दोस्तों, और मेरे अभी से ही मतलब एकदम एक्साइटमेंट से हालत खराब है कि क्या जबरदस्त, क्या शानदार लेकर आ रहे हैं इस बार राजकुमार हिरानी साहब। आपको कैसी लगी ये इंटरेस्टिंग बात है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि फिल्म देखने आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। कमेंट सेक्शन आपका है, इस्तेमाल करिए, एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाएगा आपका फिल्मी यारा राहुल भोज संजू।